हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास आवास ऐप है जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार के जरिए जो आवास का जो आवंटन किया जा रहा है उन लोगों के लिए जिनको इनकी जरूरत है, तो उसमें एक प्रॉब्लम देखा ये गया है। मेरे मित्र ने ये बताया है कि मैं जो है जियो टैग नहीं कर पा रहा हूं। जब से मैंने अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, तब से जो फोन की जो एक्यूरेसी है वो हमेशा 25 मीटर से एबव का दिखाया जाता है, जिससे कि मैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आज उन तमाम लोगों के साथ साथ मैंने अपने मित्र के लिए भी एक ट्रिक लेके आया हूं, जिसके जरिए आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे और हंसते हंसते जो है जियो टैग कर पाएंगे और आपको एक न्यू फोन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो चलिए चलते अपने फोन स्क्रीन पे और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। फोन स्क्रीन पे ले जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट मेरे जो भी वीडियोज आएंगे उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आ गया हूं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे। स्टेप्स फॉलो करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक भी स्टेप को आप स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ना वीडियो को कीजिएगा। अगर एक भी स्टेप रह जाता है तो आपका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं हम। आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और आपको अपने आवास ऐप को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करना है। अगर आपने पहले ही कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने आवास ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो ये रहा आवास ऐप, और जो मेरे फ़ोन में आवास ऐप जो इंस्टॉल्ड है वो लेटेस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपका यहाँ अपडेट शो करता है तो प्लीज उसे अपडेट कर लीजिए। अब आपको कर लेना है इसे ओपन। जब आप ओपन करेंगे आपको पता होगा, अगर आप इससे रिलेटेड है, तो कैसे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्पेक्शन या अपलोड करना होता है या ऑनलाइन या ऑफलाइन जियो टैग करना होता है। तो सारे स्टेप्स जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। जैसा कि मैंने जो है ईयर को सिलेक्ट किया है 2020 से 2021, और यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो आप जिससे रिलेटेड हैं उस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। मैं करता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है दिख जाता है बेनिफिशरीज, जिसे आवंटित करना है या आपने किया है आवास योजना के तहत। यहाँ पे आपके सारे बेनिफिशरीज दिख जाएंगे, किनके आपको जियो टैग या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसे आपको करना होगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शंस आपको अपलोड एंड वेरीफाइड, जिसका आपको अपलोड करना है यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। जैसे ही आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मेन ऑप्शंस है, जो मेन इंडिकेशन होता है वो आपको दिख जाता है, वो है एक्यूरेसी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। यहाँ से आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। ये आपका जो है तो मैंने मार्क किया है, यहाँ आपको क्लिक करके जियो टैग करना होता है, फोटोज जो भी है उसे अपलोड करना होता है चाहे सेव करना होता है। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो अभी क्या है यहाँ पे जो है वो एक्यूरेसी जो है 1921.0 शो कर रहा है, और जो
मैक्सिमम होना चाहिए वो है 1 to 25। इसके अंदर ही आपका ये अपलोड डेटा होगा। ये जो है ट्रिक मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, काम कैसे करेगा इसके ऊपर हम जो है फॉलो सारे स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास वो एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आपको इस APK फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपको जाना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको सेलेक्ट करना है डेवलपर ऑप्शंस। अगर ये नहीं है तो आप ऊपर सर्च आइकन पे जाके सर्च कीजिए डेवलपर ऑप्शंस। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब पे देखिए कि आपके फ़ोन के डेवलपर ऑप्शंस कैसे आपको शो होंगे। डेवलपर ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है MOCK मोक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको करना है क्लिक। इसे क्लिक करके आपको जिस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया है उसे कर लेना है सेलेक्ट। यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, इसे कर लेना है आपको सेलेक्ट। फिर आपको ओपन करना है बैक जाके इस एप्लीकेशन को जिसे आपने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। वहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन है सिटी लाइट टेक, जिसे आपने इंस्टॉल किया होगा। इंस्टॉल करने के बाद इंटरफेस इसका ऐसा आपको दिखेगा। नीचे एक प्ले बटन है, आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे मैप आपका दिखता है तो आपको उस मैप को जूम करके इंडिया के लोकेशन पे जाके सेट कर देना और प्ले बटन पे क्लिक कर देना है और लोकेशन ऑन कर लेना है। ख्याल रहे कि इंडिया लोकेशन को जरूर सेट कीजिएगा, वरना ये काम नहीं करेगा। फिर आप देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन बार में इस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन। फिर आपको जाना है अपने उस एप्लीकेशन में आवास वाले, जिससे आप जियो टैग या अपलोड करेंगे। सारे प्रोसेस जैसे आपने पहले किए हैं वैसे करके आपको आना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक्यूरेसी है, अब यहाँ पे शो कर रहा है 5.924.15। जैसे ही एप्लीकेशन वो जो आपने इंस्टॉल किया है काम करना स्टार्ट करता है, आवास वाले ऐप में भी जो है एक्यूरेसी जो है आपका बहुत ही कम हो जाता है। ये अभी आप देख पा रहे हैं, ये अंडर 10 पे ही है मीटर्स। यहाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं एक्यूरेसी सही होने के बाद। तो मैं एक पिक्चर लेता हूँ फिर देखता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज शो नहीं कर रहा है जो पहले कर रहा था। इसका मतलब ये जो है एप्लीकेशन अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके ज़रिए आप सेव ऑफलाइन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और जैसे आपका परफॉर्मेंस पहले था एप्लीकेशन का, वो अब इस ऐप के ज़रिए करना स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक न्यू फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।